रही है, क्या मैसेज गया? देखिए ये लगातार आज का कार्यक्रम नहीं था, 14 से 24 तक था, ग्राम उदय से भारत उदय तक। तो इसमें सबसे बड़ी बात है गांव का सशक्तिकरण कैसे हो। एक विशेष रूप से आज के दिन प्रधानमंत्री और सारा देश चिंतित है पानी को लेकर। आज भी उन्होंने बात कही है कि हमें पानी बचाना चाहिए, हम ड्रिप इरीगेशन पर जाना चाहिए, हमें उन फसलों को बोना चाहिए जिन फसलों में पानी कम लगता है, चूँकि आप जिस क्षेत्र से हैं उतरा वहाँ भी पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो लगातार ये 10 दिन का कार्यक्रम था, तो इसमें अवेयरनेस की बात थी, पानी के ऊपर भी थी। गाँव में जो नई फसल बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, तीन कदम ये किसान के लिए मैं समझता हूँ इतने बड़े हैं, तीन के तीन कदम। इनके बारे में लोगों को बताना कि इनसे फ़ायदा क्या होगा। फसल बीमा आज भी 22% है, उसे बढ़ाकर अगले 2 साल में प्रधानमंत्री का टारगेट है 50% तक ले जाया जाए, क्योंकि किसानों को विश्वास नहीं रहा था फसल बीमा पे, एक विश्वास कायम कराना। तो ये 10 दिन का इस तरह से कार्यक्रम डेस्क का लगातार चल रहा था, और करीब करीब हर गाँव में गाँव पंचायत की बैठक हुई, सभी ने सांसद अपने क्षेत्रों में दो दो बैठ के, सबका टारगेट था कि अपने ज़िले में करनी है। तो एक वृहद कार्यक्रम था जिससे गांव तक जाना, चूँकि एक प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह भी कहते थे कि देश का विकास गांव और खेत के बिना नहीं हो सकता, तो वही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम थे। सक्सेस है, लखना चाहता है।